एक पेंडुलम दिया हुआ है जिसके साथ एक ब्लॉक अटैच है। ब्लॉक का मास जो है 500 ग्राम है। एक बुलेट जो है जिसका मास 20 ग्राम है, स्पीड जो है 300 है, वो इस ब्लॉक में से पास करती है। और ये जो ब्लॉक है वो 20 सेंटीमीटर की हाइट तक राइज हो जाता है। स्पीड ऑफ द बुलेट बतानी है, जब ये इससे मर्ज हो जाएगी, बाहर निकल आएगी, तब इसकी स्पीड कितनी होगी बुलेट की, ये हमें बताना है। जो टेंशन और एम जी है वो इम्पल्सिव फोर्स नहीं है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाए इन ओरिजेंटल डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन। ये तो वर्टिकल डायरेक्शन है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मास इंटू यू, इसका मास इंटू वेलोसिटी जीरो है आफ्टर द कोलिजन, इसका मास वेलोसिटी वी टू प्लस बुलेट का मास, बुलेट की वेलोसिटी, ये जीरो है। बुलेट की वेलोसिटी निकालनी है, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वर्क डन बाय टेंशन जीरो है। एक ही फोर्स है बची, इसमें दो फोर्स लगी थी, एम जी और टेंशन, उसकी जगह पोटेंशियल एनर्जी दे देते हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनली तो जीरो होगी, इनिशियली किसके बराबर, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ गई है, एम जी एच, तो वी जो है या वी टू मान लेते हैं, वी टू जो है किसके बराबर होगा, टू जी एच के बराबर होगा। टू जी की वैल्यू 10, 20 सेंटीमीटर दिया था 1/5, तो ये किसका होगा, टू के बराबर आ जाएगा। ये जो ब्लॉक है जब इससे स्ट्राइक किया था तब इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 2 थी। मास जो है 20 ग्राम है, वेलोसिटी जो है 300 है, मास इसका जो है 1/2 किलोग्राम है, इसको 1/2 किलोग्राम ले सकते हैं। वेलोसिटी जो है इसकी 2 है प्लस मास 20/4 ये होगा इनटू वेलोसिटी, ये हमें फाइंड आउट कर लिए। तो 6 - 1 वो किसके बराबर होगा, 1/50 वी, वी की वैल्यू इसको 5 × 2, 5 × 50, 250 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो वेलोसिटी ऑफ द बुलेट होगी आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम द ब्लॉक वो क्या होगी, 250 मीटर पर सेकेंड होगी।